हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, अगर आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव सी को क्लीन करना चाहते हैं एंड अपने पीसी को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पीसी के सर्च बार में जाना है एंड वहाँ रन टाइप करना है, ठीक है। वरना आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप विंडोज़ की प्लस आर दबा सकते हैं एंड आपका जो रन डायलॉग बॉक्स है वो खुद अपीयर हो जाएगा। और अब यहाँ आपने क्या टाइप करना है, टेम्प, ऑलराइट, एंड एंटर दबा देना है। तो ये जो फोल्डर है, यहाँ सारी आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और जो नहीं हो रही है उन्हें स्किप कर देना है। अब गाइज, आपने फिर से विंडोज़ प्लस आर दबाना है एंड अब आपने टाइप करना है परसेंट टेम्प परसेंट। तो आप बस परसेंट दोनों साइड साइंस लगा दीजिए एंड ओके पे क्लिक करिए। तो गाइज़, यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फाइल्स इकट्ठी हो चुकी है, तो इन्हें भी आपने डिलीट कर दें। तो सबसे पहले आप कंट्रोल ए दबाइए, फिर सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, तो कंट्रोल डी दबाइए एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी फाइल्स हैं वो सारे डिलीट हो रही हैं। तो ये जो फाइल्स डिलीट नहीं हो पाएंगी उन्हें आपने स्किप कर देना है। अब गाइज, आपने फिर से विंडोज़ प्लस आर दबाना है एंड अब आपने यहाँ सर्च कर लेना है प्री फेच। तो इस तरह आप सर्च कर लीजिए। अब यहाँ आपको आएगा कि आपके पास परमिशन नहीं, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड फिर उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, इन सबको आपने डिलीट कर देना है, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल डी एंड ये सारी डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। तो गाइस, अब ये जो सारी फाइल्स हमने डिलीट करी है ये रिसाइकल बिन में कटी हो चुकी हैं, तो अब हमें इसे रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना है। तो एम टी रिसाइकल बिन में क्लिक करता हूँ एंड परमानेंटली इन्हें डिलीट कर देंगे। अब गाइज, आपने क्या करना है, आपने सर्च बार में जाना, यहाँ टाइप करना है स्टोरेज सेटिंग्स। तो यहाँ रिसेंट में मेरे है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। अब गाइज, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस। तो ये खुद ब खुद पीसी आपका जो है वो स्पेस बचा लेता है टेम्प्रेरी फाइल्स और रिसाइकल बिन के कंटेंट को डिलीट करके। तो ये मैंने ऑन करके रखा है, अगर आपका ऑन नहीं है तो आपने इसे ऑन कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं टेम्प्रेरी फाइल्स स्टोरेज के अंदर, यहाँ टेम्प्रेरी फाइल्स, तो इसमें क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपको ये पूरी लिस्ट दिखा देगा कि कौन कौन सी टेम्प्रेरी फाइल्स आपके पीसी में। तो गाइज, जो भी फाइल्स अब आपको यहाँ से नहीं चाहिए होंगी वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो डाउनलोड्स मुझे अभी चाहिए बट ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स नहीं चाहिए, तो मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ रिमूव फाइल्स में क्लिक कर दूंगा। तो गाइस, हम देख सकते हैं कि जो फाइल्स हैं वो सारी डिलीट हो चुकी हैं एंड डाउनलोड्स 2.53 GB भी बचा हुआ है। अब गाइस, आपने क्या करना है, इधर जाना है कन्फिगर स्टोरेज सेंस, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या करना है, आपने कुछ चीज़ों को टिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं टेम्प्रेरी फाइल्स, तो यहाँ चेकबॉक्स है एक, इस पर आपने टिक कर देना है, ठीक है, कि जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। अब गाइज, यहाँ नीचे देख सकते हैं डिलीट फाइल्स हैं माय रिसाइकल बिन इफ़ दे हैव बिन देयर फॉर ओवर 30 डेज़। तो मैंने 30 डेज सेट कर रखा है, आप उसे कम भी कर सकते हैं। तो भाई, रिसाइकल बिन से वो फाइल्स डिलीट हो जाएगी अगर वो 30 डेज़ के लिए रिसाइकल बिन में ही पड़ी हुई हैं। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं कि सेम फंक्शन डाउनलोड्स के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ आप डे सेट कर सकते हैं, अगर फाइल्स आपके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में बहुत टाइम्स है तो वो थोड़े डेज़ के बाद डिलीट हो जाए। तो मैंने इसे सेलेक्ट नहीं कर रखा है, आप इसे कर सकते हैं। तो गाइज़, ये आप नीचे देख सकते हैं फ्री अप स्पेस नाउ। तो गाइज़, यहाँ पहले एक और ऑप्शन आता था कि डिलीट प्रीवियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़। तो गाइज़, उस पर आपने टिक करना है एंड क्लीन नाउ पे क्लिक करना है। तो गाइज़, जब आप वो प्रीवियस वर्जन डिलीट करोगे तो आपके जो विंडोज़ की स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 40 GB, मेरे पीसी में ऑलमोस्ट इतने GB सेव हो गई थी। अब गाइज, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दिस पीसी में जाना है, यानी आप देख सकते हैं विंडोज़ सी, तो इसमें आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड आप देख सकते हैं डिस्क क्लीन अप, इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद ये खुद चेक करेगा कि टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह क्या क्या हैं। वो वैसे हमने डिलीट कर ही दी थी बट स्टिल आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए जिस जिन्होंने भी थोड़ी बहुत स्पेस ले रखी है एंड क्लीन अप आप कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। यानी आप देख सकते हैं कि जो फाइल्स हैं वो क्लीन होते जा रही हैं, ये ज़्यादा मेमोरी नहीं जाता है बट स्टिल कुछ MB तक स्पेस आपकी सेव कर लेता है। अब गाइज, जैसे आप चाहते हैं कि ड्राइव सी की आप स्पेस बचाना चाहते हैं, इसको क्लीन कर रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने ब्राउज़र में जाके
जो डाउनलोड पाथ है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि डाउनलोड पाथ आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह जो आपकी ड्राइव सी है वो आप क्लीन रख सकते हैं। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।